मूवर्स एंड शेकर्स। एक खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में कई मंत्रियों को अब तक कोई विभाग नहीं दिया गया है। दरअसल उनके नाम पर कोई FIR दर्ज न होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाए। सोनिया गांधी का सपना है कि गरीबों को कम दाम पर अनाज मिले। अब मां को तो बेटे की चिंता होती है। सोनिया जी अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल राहुल ज्यादातर गरीबों के ही घर में अपना वक्त गुजारते हैं, तो वहां खाने का अच्छा इंतजाम तो होना ही चाहिए। न्यूयॉर्क में 99 साल के एक आदमी की पहली दफा शादी हुई। लगता है वो जिंदगी रहते एक बार तो जीवन के हर खतरे को करीब से महसूस करना चाहते। मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि उनके राज में गरीब भी आसानी से मकान बना रहे। भाई अब कौन इन्हें बताए कि मकान तो सालों से मजदूर ही बनाते हैं और मजदूर गरीब ही होते। पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने कहा है कि रिटायरमेंट का फैसला सचिन तेंदुलकर खुद लेंगे। ये बात अब उनसे बेहतर और कौन जान सकता है कि जब किसी खिलाड़ी के रिटायरमेंट का फैसला कोई और लेता है तो कैसा लगता है। फिल्म इश्क ज़ादे के हीरो अर्जुन कपूर ने कहा है कि सलमान खान की जगह पर पहुंचने में उन्हें काफी वक्त लगेगा। नहीं नहीं अर्जुन, इतना वक्त नहीं लगेगा, बांद्रा स्टेशन से कोई भी बस पकड़ लीजिए, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। एक सर्वे से पता चला है कि ओबामा की पॉपुलैरिटी तेजी से घट रही। बिल्कुल घटेगी, अब कोई स्कैम ही नहीं करेंगे तो पॉपुलर कैसे होंगे। झारखंड में सिर्फ 40 घंटे में रेलवे ट्रैक के नीचे एक ब्रिज तैयार हुआ। वैसे ब्रिज की सलामती की पूरी गारंटी है, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि ऊपर से कभी कोई रेल न गुजरे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकवादियों के भांडाफोड़ लगातार हो रहे हैं। ये जरूर आतंकवादी खुद ही कर रहे होंगे, आखिर उनकी भी तो इच्छा होती होगी कि जेल में रहकर कसाब की तरह शान से जिंदगी बिताएं। अखिलेश यादव ने कहा है कि हाथी लगे हर पार्क में अब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। हाँ मेडिकल कॉलेज तो खुलने ही चाहिए अखिलेश जी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सपा के राज्य में जिस तरह गुंडागर्दी होती है, आम जनता को सबसे ज्यादा मेडिकल की ही जरूरत पड़ेगी। एक खबर के अनुसार पुलिस ने शाहरुख खान के शराब पीने की जांच नहीं करवाई। भाई जांच तो तब करवाएंगे ना जब वो खुद होश में रहेंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा है कि हर गेंद डालने से पहले वो काफी समय लेते हैं और कभी कभी तो वो गेंद डालना ही नहीं चाहते, सिर्फ जब बल्लेबाज कहता है ठीक है भज्जी छक्का नहीं चौका मारूंगा तब जाके बोलिंग के लिए तैयार हो। एक खबर के अनुसार टीम अन्ना अब सबसे पहले पानी के लिए आंदोलन करेगी। सही है, करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी अनशन को तोड़ने के लिए अन्ना सबसे पहले पानी ही पीते हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर रेड लाइट के ग्रीन होने का इंतजार किया। दरअसल सिग्नल की लाल बत्ती उनकी गाड़ी के लाल बत्ती से बड़ी होती है और उनके पिता ने सिखाया है कि अपने से बड़ी लाल बत्ती की हमेशा इज्जत करना। मायावती ने अपने कार्यकाल में करोड़ों रुपए हाथियों पर खर्च कर दिए। इस पर एक हाथी का कहना है, पिछले 5 साल में मेरा वजन 500 ग्राम भी नहीं बढ़ा, फिर यह खर्चा आखिर किया कहां गया। खबर मिली है कि पिछले दिनों गुजरात में 1 करोड़ का मटर समुंदर में बह गया। इस पर मछलियों का कहना है, क्या पनीर के लिए अलग से अर्जी देनी पड़ेगी। मुंबई में एक ट्रैफिक हवलदार ने सिग्नल तोड़ने पर एक आदमी का हाथ तोड़ दिया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका कहना था, क्या करता, बार बार कहने के बावजूद वो अपना हाथ अपनी जेब में नहीं डाल रहा था, इसलिए मजबूर होकर उसका हाथ तोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कोयला घोटाले पर लिए फैसलों के केस में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। इस पे मनमोहन सिंह ने कहा, कितने पागल है लोग जो आज भी मानते हैं कि सरकार के फैसले मैं लेता हूं। Our guest on Movers and Shakers tonight is a pretty and talented actress who has cried her way to the bank and of course lots of fame as well. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the lead actress of a very popular daily soap, the very outspoken, very candid Ankita Lokhande. Gentlemen, presenting on Movers and Shakers, Ankita Lokhande. Well, thank you so much for coming. Yeah.
Ankita, thank you so much for coming on More Than Shekhar. Thank you very much for calling me. आप ये पहले ये बताइए कि आप डेल आप सोप से कितने सालों से पीड़ित हैं? तीन सालों से पीड़ित हैं और तीन सालों से आपको लगातार साड़ी पहननी पड़ रही है? हाँ. और कुछ नहीं? नहीं. नहीं. नहीं मतलब अब मैं ये कह सकती हूँ कि प्लीज मुझे साड़ियाँ नहीं पहननी है. हाँ. मतलब आई एम रियली बोर्ड ऑफ वेयरिंग साड़ीज क्योंकि आप रोज साड़ियाँ पहनते हो, रोज ब्लाउज पहनते हो, रोज पेटीकोट पहनते हो एंड आप अपने आप को वो फील करने लगते हो कि आप बड़े हो चुके हो टाइप्स. अम्मा अम्मा से फीलिंग होने लगती है. एक्चुअली और अभी जब से मैंने 18 साल का लीप लिया है तो और फीलिंग आने लगी कि मैं बुड्ढी हो चुकी हूँ. पर ये बताइए कि आप निहायत खूबसूरत हैं तो ये चेहरा टेलीविजन में क्या कर रहा है? मतलब आप इतनी खूबसूरत हैं जिसको देखकर ऐश्वर्या भी एक वक्त सोचे मैं फिल्मों में क्यों आए, माधुरी भी थोड़ी शर्मा आ जाए और करीना को भी लगे कि भाई इनको चांस मिलना चाहिए. प्लीज शेखर सर आपको ज्यादा नहीं बोल रहे, आपको नहीं लगता ऐसे? मुझे शर्म आने लगी अब. तो ये चेहरा टेलीविजन में क्या कर रहा है, फिल्मों में क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन में हो या फिल्म में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम काम होता है. मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से. मैं भले ही सीरियल करती हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ. मैं 8 घंटे काम करती हूँ रोज और बहुत आराम से घर जाती हूँ, बहुत जिम करती हूँ, मेरे पास बहुत सारा टाइम है. और मैं सच बोलूँ मैं बहुत आलसी हूँ. आई मीन मुझे इतना ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है. तो आई एम रियली हैप्पी जितना करना था मैंने 2 सालों में कर लिया, अब 1 साल से मैं आराम कर रही हूँ. पर ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है कि मैं फिल्म? बहुत है, बहुत थी मैं ये कहूँगी. लेकिन अब मैंने ये जिम्मा सुशांत पर सौंप दिया कि वो फिल्में करें. हाँ, सुशांत से याद आया, सुशांत आपको छोड़कर फिल्मों में चले गए तो आप उनके पीछे पीछे स्वाभाविक तौर पर क्यों नहीं गई? नहीं जाना था क्योंकि मुझे उनके साथ साथ चलना था, इसलिए मैं उनके साथ चल रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो लोग एक ही फील्ड में हो और फिर बहुत सारे दूसरे को कितना बर्दाश्त करेंगे? आई मीन फिर वापस मतलब वही तीन साल तक वही चेहरा, वही सुशांत. इश्क कैसे हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ? अच्छा मैं उसके पहले एक कुछ चीज बताना आपको चाहती हूँ. अच्छा. मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ. आई मीन यस देयर इज अ गिफ्ट. कोई मेरे लिए कुछ लेके आया है? ये दिस इज फॉर यू सर. स्वीट एंड थॉटफुल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. और आपको उसको खोलना पड़ेगा. There is a reason behind this gift? No, I mean बस एक रिश्वत के तौर पे कि आप मुझसे अच्छे अच्छे सवाल पूछें. नहीं, आपको खोलना पड़ेगा. अच्छा मैं खोलूंगा. Okay, definitely. Let me help you. Okay, help me. एक और. Now you'll have to open it. Now I will open it. Dun, ta-da! I hope you like it. I will love it. I knew that he was for me. Lord Ganesh, thank you so much. Welcome. अब मैं भगवान के नाम पर कोई भी ऐसा वैसा सवाल आपसे नहीं करने वाला हूँ. हाँ तो हम सुशांत की बात कर रहे हैं. तो ये इश्क कब और कैसे हुआ? ऐसा हुआ था कि हम लोग सेट पे काम करते थे डे नाइट और पहले ही दिन से मुझे थोड़ा सुशांत अच्छा नहीं लगता था. पहले ही दिन से अच्छा नहीं लगता था? नहीं. ऐसा लगा जैसे आप कहने वाले मुझे पहले ही दिन से ही थोड़ा अच्छा लगने लगा? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता. एक्चुअली बहुत सारी चीजें, जब वो सेट पे आया तो ही वाज लाइक फुल ऑफ यू नो एटीट्यूड एंड बहुत ऐसे ऐसे दिखाता था. तो मैंने कहा मेरे को कौन सी पड़ी है तेरी भी, तू भी देख अपने रास्ते में अपने रास्ते. बट ऐसे कहते हैं ना कि हमेशा जो प्यार है नफरत से, हमारी तो बहुत झगड़े होते थे सर. मैं आपको बता रही हूँ, मतलब सेट पे मुझे झाड़ देता था और मैं तो नई नई आर्टिस्ट थी. लिटरली उसका क्लोज चलता था और मेरे सामने उसका होता था तो वो मुझे कैमरा के पीछे खड़ा रख के बोलता था ग्लिस लो एंड यू नो मैं लेती थी और मैं वैसी एक्सप्रेशन देती थी जैसे मैं अपने क्लोज में दूंगी. वो लिटरली अगर ओएस चल रहा है तो बोलता था आंखें नीचे कर, चिमटी खुड़ता था आंखें नीचे कर. मतलब मैं इतनी सीधी थी, आप सोचिए मैंने कितना अत्याचार सहा है. सीधी तो आप अभी हैं. हाँ, हाँ, अभी ठीक है. क्या मतलब है? Of course, मतलब अभी भी है. मैं ज्यादा ही कुछ प्यार में अंधी हो गई थी. अब आंखें खुली हैं? हाँ, अब आंखें खुल चुकी है पूरी तरह. देखा आपने? यही देखा कि वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा और अब मैं उससे डोमिनेट करने लगी हूँ. किस तरह से डोमिनेट करती हैं? बहुत तरीकों से सर. एक तरीका बताइए. जैसे कि मुझे जो चीज करनी होती है वही होता है घर में. अच्छा. आई मीन अगर मुझे कुछ कहीं जाना है और उसे नहीं जाना है तो फाइनली उसे वही करना पड़ता है जो मैं चाहती हूँ करना. वो मेरी सारी बातें सुनता है. आई मीन बहुत सारी चीजें. शादी हो गई? नहीं हुई है. वो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, पर खुदा जब हुस्न देता है तो लोग कहते हैं एरोगेंस भी आ जाती है. यू थिंक समवेयर यू आर एरोगेंट? नो, आई एम नॉट. यू आर नॉट? नो. मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बड़बड़ी हूँ. जिन लोगों से मैं बात करने लगती हूँ, जो मुझे जानने लगते हैं, मैं उनके साथ बहुत अच्छे से बात करती हूँ. लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि मैं हर इंसान से अच्छे से ही बात करूँ. ये मेरी जिंदगी है. मुझे जिससे बात करनी होगी मैं करूँगी, जिससे नहीं करूँगी नहीं करूँगी. और मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी. और ये अभी से नहीं कि मेरे पास कुछ आ गया इसलिए, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ. अंकिता, आप जैसे हैं, जैसे आपने अपने आप को डिस्क्राइब किया, आपका जो रोल है अर्चना का वो बिल्कुल इसके विपरीत. बहुत रोना पड़ता है ना? बहुत. मतलब 3 सालों में अगर बाल्टियों के हिसाब से देखें तो कितनी बाल्टियां
आंसू जो आप बहा चुके? अभी मेरा कम हो गया क्योंकि मैं पहले बहुत मार खाती थी, मुझे जलाने की कोशिश की है और बहुत सारी चीजें हुई, तब मैं बहुत ज्यादा रोती थी, मतलब रोना ही रोना था, लेकिन अभी वापस मेरे जिंदगी में खुशियां आई है, मेरे जिंदगी में बहार आई है, तो मैं हंसती हूँ थोड़ा थोड़ा, कभी कभी रो लेती हूँ। तो सास के साथ कैसा रिश्ता है आपका? मेरा मेरी उषाई के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा, आई मीन शी इज लाइक माय सास। शी इज लाइक योर सास? जब वो इस शो में आई थी तो सास से वो थोड़ी सॉसी हो गई थी। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि ऐसा आप दोनों के बीच क्या हुआ जो उनको ये कहना पड़ा जो उन्होंने कहा। जब आप सेट पे जाती हैं तो कितनी अर्चना रहती हैं, कितनी अंकिता रहती हैं, या दोनों में से कुछ नहीं रहती हैं, कुछ तीसरे कैरेक्टर के बारे में सोचती रहती हैं? नहीं, 100% रहती yes, क्योंकि आपकी जब सास यहाँ पर आई थी तो उनका कहना था कि हम लोग तो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और हर वक्त उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन ये आजकल के जो एक्टर्स हैं वो उनका एक्टिंग पे ध्यान नहीं रहता, सिर्फ मेकअप और बाल पे ध्यान रहता है। वो आते ही सर पे कहती है दादा मेकअप yeah. ये बाल मेरे थोड़े इधर से ठीक करो, मेरे लिप लाइनर लगाओ, थोड़ा ब्लश लगाओ, और एक्टिंग के नाम पे जीरो। सर मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं उस इंडस्ट्री में एक्टिंग भी ज़रूरी है और लुक्स भी ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है मैं टेलीविजन पे एक पहली ऐसी लड़की थी जब मैंने अपना शो शुरू किया, आई यूज़ टू डू माई सीन्स विदाउट मेकअप, और अगर मैं एक टेलीविजन की लीड हूँ तो मुझे अच्छा दिखने का पूरा हक है। आप ये बताइए कि सुंदर होना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? तो मैं एक चीज़ सच बोलूँ, हाँ, सच, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नॉर्मल अपना मेकअप उतारती हूँ और जब मैं लोखंडवाला में घूमती हूँ, जब मैं ट्रैक पैंट्स टी शर्ट में रहती हूँ, आई एम नॉट लाइक दिस, दिस इज फेक अंकिता। आई मीन आई डोंट वेयर सच क्लोथ्स इन माई डेली लाइफ, आई एम वेरी नॉर्मल, आई वेयर ट्रैक पैंट्स, आई वेयर टी शर्ट, मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं एक सुंदर लड़की हूँ। बट यस, ये सारी लाइट्स, ये सारी चीज़ें, ये अपने आप आपको एक एहसास दिलाती है कि यू आर बेटर। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं, और ये कहना कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ और मेकअप के बगैर भी उतनी ही खूबसूरत हूँ, बल्कि ज़्यादा खूबसूरत हूँ, और तुम्हारा ये कहना कि नहीं मैं मेकअप के बगैर उतनी खूबसूरत नहीं हूँ। आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव महाराष्ट्रन फैमिली से? No, I'm not from conservative. No. They were open to the idea of you becoming an actress. Actually, sir, जब मैंने शुरुआत की अपने करियर की, जब मैं बचपन में, जब फोर्थ में थी, तब से मुझे पैशन था कि मैं हीरोइन बनना चाहती थी। इंदौर में? इंदौर में। तो मैंने एक काजोल, शाहरुख और रानी मुखर्जी का एक एड देखा था पेप्सी का, जहाँ वो बड़े से टैंकर्स पे खड़े होकर पेप्सी पीते हैं, कुछ कुछ होता है, आई थी। तो मैंने इतना बड़ा पोस्टर उनका पेपर में आया था और मैंने अपने स्टडी टेबल के ऊपर ट्यूबलाइट के नीचे लगाया था, बोला वेट आई एम कमिंग, क्या एकदम और ऐसे था। लेकिन मेरा जैसे मैंने अपनी डायरी में लिखा था बचपन में कि मैं स्टार बनना चाहती हूँ, मैंने लिखा था कि प्लीज पापा बापू से पूछो ना मैं हीरोइन बन सकती हूँ। बापू वॉज लाइक माई ग्रैंड फादर, यू नो, बड़ी होती गई फिर मैं, मुझे पता था कि मेरे डैड मुझे नहीं भेजेंगे स्ट्रगल करने के लिए एटलीस्ट, तो मैंने सोचा कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊँ। तो मैंने फ्रैंकफर्ट में अप्लाई किया, मेरा यूनिफॉर्म आ गया, एवरीथिंग वाज लाइक रेडी, मैं बिल्कुल जाने वाली थी दो दिन बाद, तो उत्ते में जी सिनेस्टार की खोज आया। इट्स अ शो जिसमें एक्टिंग एंड डांसिंग का पूरा था। तो मेरी मासी ने मुझे बोला कि तू ट्राई क्यों नहीं करती एक बार, तेरे को शौक है, तेरा भी इच्छा पूरा हो जाएगा और एटलीस्ट तुझे ये रहेगा कि मैंने किया तो चांस कोशिश नहीं छोड़ा। मेरी मासी ने मुझे बहुत सारी रिहर्सल्स कराई, बिल्कुल माधुरी दीक्षित की सीरीज लाके और देवदास की, और फिर क्या हुआ उस ऑडिशन के बाद? ऑडिशन में गई और फिर ऑडिशन मैंने दिया ही नहीं, मुझे बोला गया कि आपको हम सीन देते, बोलो बोलो कि मम्मा मम्मा मैं जी सिनेस्टार में सिलेक्ट हो गई, ऐसे करके बहुत खुशी खुशी वाला था। तो मैंने फिर वो किया, फिर मैं इंदौर में आउट हो गई, फिर मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा कि मैं आउट हो गई, फिर मुझे नागपुर बुलाया गया उन लोगों की तरफ से, मैं नागपुर गई और मैं नागपुर में सिलेक्ट होके बॉम्बे में आ गई। जब आप डांस रियलिटी शो में गई थी वहाँ भी आप आउट हो गई थी एक वक्त के बाद, यू वर लाइक शोइंग सच, यू नो, यू हैड पुट अप सम ग्रेट परफॉर्मेंस, उस वक्त फिर कितना गुस्सा आया? बहुत गुस्सा आया था, जब भी मैं आउट हुई तो मुझे लगा मैं दुनिया को जला दूँ। ऐसा नहीं, क्योंकि सर आप भी वहाँ थे, मैं भी वहाँ थी, एंड मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं एक स्टाइल का डांस ना करूँ, मैंने हमेशा वेरिएशंस देने की कोशिश की, मैंने सालसा किया, मैंने राजस्थानी किया, मैंने लावनी किया, मैंने कंटेम्प्रेरी किया, मैंने हर वो चीज़ की जो एक झलक में रिक्वायरमेंट थी, मैंने कभी एक तरीके का डांस नहीं किया। तो जब मैं आउट हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आई फेल्ट दिस हर्ट को आप कहाँ निकालती हैं, ये जो गुस्सा आता है इसको किस तरह से, कहाँ, किसके ऊपर निकालती हैं? मैं सच बोलूं, सुशांत, सुशांत, I mean, yes, सारा गुस्सा उस पे, सारा गुस्सा उस पे, सुशांत, I really pity you.
जब उसे फर्स्ट टाइम 30 मिला तो मुझे प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि उसे 30 कैसे मिला, I was like, तुझे 30 कैसे मिला? मैं बहुत ईर्ष्या में आ गई थी, I mean, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन क्या क्या बात है? Let's hear it. क्या बात है? हम जानना चाहेंगे असलियत. एक्चुअली क्या हुआ? हां एक्चुअली क्या? चंपा उसकी गोद में चढ़ गई. दैट वाज द प्रॉब्लम. यस ओके. आप चूंकि बहुत कैंडिडली बोलती हैं, बहुत फ्रेंकली बोलती हैं, तो आज बता ही दीजिए कि आप में और सुशांत में बेटर डांसर कौन था? मैं. ओह, दैट शी सेड विदाउट बैटिंग एन आईलिड. मैं, ऑफ कोर्स, आई एग्री विद यू. सॉरी सुशांत, बट मुझे सच बोलना पड़ा. सुशांत को तकलीफ हुई थी जब आप आउट हो गई थी? बिकॉज मैं उनको देखता था कि बहुत सैड सैड से हो जाते थे. जब मैं आउट हुई तो उसे बहुत बुरा लगा था, वो बहुत अपसेट रहता था. उसको ऐसे लगता था कि नहीं, मतलब मैं वहां होनी चाहिए. हाँ, क्योंकि भले मैं आउट हो जाऊं लेकिन इसको होना actually, चाहिए. वो हाँ, ऐसा ही है. और उसने जब उसका बैक का प्रॉब्लम हुआ था तब उसने छोड़ दिया था. मैंने उसको बोला तो छोड़ दे. You are a meanie. But yes, he loves me so much. Yes. And I know that. And I love him so much. आप दोनों की जोड़ी कब बनेगी? जोड़ी तो बन चुकी है सर. हाँ, जोड़ी मतलब you know what I mean. शादी. हाँ, शादी. I mean, मुकम्मल कब? Next year. Next year. Yes. That's a promise. Because yeah. But next year मैं आपको फिर बुलाने वाला हूँ इसी शो पे. देख लो, मैं promise कर promise कर रही हूँ क्योंकि ये promises shows में बहुत ज़्यादा होते हैं और कोई पूरा नहीं करता. So let's hope that आपने जो promise किया उसको पूरा करें. हमारा पवित्र रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है. Yeah. Fantastic. अब television भी हो गया और फिल्में तुम्हें अभी करनी नहीं है. इस खाली वक्त में अगर तुम्हें कुछ प्रोडक्ट्स दें और उसको तुम्हें इंडोर्स करना हो, विच इज एवरी एक्टर्स ड्रीम नाउ बिकॉज देयर लोड्स ऑफ मनी इन्वॉल्वड इन इट, तो तुम कैसे करोगे? ठीक है. ओके. काचर. सॉरी, आई कैन ओनली पास ऑफ टू यू व्हाट हैज बीन गिवन टू मी. एकदम खालिस गाजर 24 कैरेट. ये सेल इट टू द व्यूअर्स. रात के 12:30 बजे हैं और आप टेली शॉपिंग स्पेस में है और यू आर सेलिंग गाजर. इस गाजर को सिर्फ आप सैलड में नहीं, हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है और इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं. जैसे आप इसे स्किन पे लगा सकते हैं क्योंकि स्किन ग्लो करती है. बस और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप पहले इस्तेमाल करके देखिए, फिर मैं आपको और बताऊँगी गाजर. तो ये अच्छी आपकी ये कैरेट की रट थी अच्छी. और जब कुछ नहीं समझ में आए इसे खा लीजिए, आप करण चौधरी भी बन सकते हैं. ये तो आपका बहुत नजदीकी साथी. बिल्कुल. हाँ, मेजरिंग टेप जिसका इस्तेमाल सुबह शाम होता होगा. नहीं सर, अभी कोशिश जारी है, मतलब दुबला होने की. आई एम ट्राइंग. ये एक मेजरिंग टेप है. ये बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. बिल्कुल, आप लोग यूज़ करते होंगे जैसे कि अपनी कमर नापने के लिए. बहुत सारी चीज़ें अपनी जबान नापने के लिए, जब ज़्यादा आदमी बड़बड़ करे, अपना एरोगेंस नापने के लिए, मतलब थोड़ा एटीट्यूड नापने के लिए, और अपनी हाइट नापने के लिए, प्यार नापने के लिए. रोज़ करना पड़ता है प्यार नापने के लिए, कितना प्यार है. तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. आप इस टेप को खरीदिए और प्लीज़ अपनी हर एक चीज़ वो नापिए जिसको नापना ज़रूरी है. और लालू जो का लालटन कहाँ से आ गया? हाँ लीजिए. Okay. इसको बेचिए. बढ़िया, रोशनी की तरफ से तमसो मां ज्योतिर्गमय. ये है लैम्प, इसे आप इस्तेमाल कर सकते. Okay. ये अंधेरे में बहुत काम आता है. इसका यही फायदा नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती. सबसे बड़ा फायदा है, आप इसमें घासलेट डालिए और इसे ऐसे ऐसे कीजिए और ये जल जाएगा. कैसे कैसे कीजिए? ऐसे ऐसे. ऐसे ऐसे मतलब नहीं, वो पेट्रोमैक्स होता है. ओ सॉरी, ये लालटेन है. हाँ, प्लीज इसे इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा. थैंक यू. वेरी गुड, 10/10 फॉर दैट लालटेन. थैंक यू. अंकिता, मैं चाहता हूँ कि जो गाना गा के आप उन्हें मनाती रही वो गाना आज आप मेरे लिए सुनाइए. मैं सुशांत बन के बैठना चाहता हूँ. पवित्र रिश्ता के तहत एक पवित्र रिश्ता आपका आपके फैंस के साथ भी है. yeah. तो आप उनके लिए क्या तोहफा लेके आई? ये मैं लेकर आई हूँ. इसमें कुछ डाला भी है? खाली पर्स दे रही है? नहीं, खाली पर्स है सर. बहुत महंगा है सर. बहुत महंगा पैसा इसमें मैंने डाला है. और एक और चीज है, बहुत सारा प्यार और इसके अंदर एक और चीज है जिसमें ये एक बहुत क्यूट सा टॉप है. जो भी लड़की मेरी फैन होगी वो ये पहने. और बस अच्छी खासी फैन के लिए
एंड हियर्स विशिंग कि आप जो करें उसमें हमेशा खुश रहें और सफल रहें. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन मूवर्स एंड शेकर्स. That's all for tonight, ladies and gentlemen. Thanks for being with us. अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो login कीजिए www.facebook.com/movesandshakers.subtv पर या फिर हमसे जुड़िए Twitter पर. हमारा Twitter handle है @Shekhar दोबारा. Movies and Shakers के अगले episode पे तब तक के लिए goodbye, good night, शबा खैर, take care. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.